जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़ में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। तो आपको बता दें कि ट्रोला की टक्कर से ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले में दिल्ली जयपुर हाईवे पर शुक्रवार की सुबह एक ट्रोले ने ट्रैक्टर ट्रोले को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और चालक उसके नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया है। गंभीर रूप से घायल चालक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। रेवाड़ी के बावल में गेहूँ से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली शुक्रवार सुबह दिल्ली के नजफगढ़ के लिए चली थी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर असाई पुलिया के समीप एक तेज रफ्तार लोडेड ट्राले ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर चला रहे शख्स ट्रैक्टर के नीचे बुरी तरह फंस गया। वहीं हादसे में हाईवे पर जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से गुजर रहे लोगों की मदद से ट्रैक्टर के चालक को मुश्किल से बाहर निकाला। चालक को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई है, जिसकी वजह से उसे गंभीर अवस्था में रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, अपने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को फरीदाबाद जिले के गांव कोराली स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों में धांधलीबाजी करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगा था, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद दुष्यंत चौटाला एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया है। आज की खबरें यहीं तक। फिर मिलेंगे आप इस समय। देखते हैं हिमाचल को देखना बोले। धन्यवाद।